हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल वेल। तो उम्मीद है कि आप सब होंगे ठीक ठाक, जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद खुश होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे काफी दिन लग गए कि मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि मेरी सिस्टर की सास की हो गई थी डेथ। तो 3 4 दिन मैं वहां ही बिजी रहा, तो कोई भी वीडियो नहीं बना सका। और खास तौर पे अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी वीडियो पर भी नहीं आ सका। तो मैं यूट्यूब पर ही नहीं था और मैं आपकी वीडियो भी वॉच नहीं करता रहा। तो आए मिलते हैं, फिर किस मिलाता हूँ और किसी से, तो फिर आगे बढ़ते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। हेलो। हेलो, तो ये है खिजिया। तो खिजिया भी तो एंजल से मिले। एंजल एंजल एंजल, तो एंजल ने क्या करवाया है? कटिंग कटिंग हेलो करवाई तो करो। हेलो, कटिंग। होप यू आर वेल। एंजल भी करती होप यू आर वेल। तो एंजल ने देखो, एंजल की मम्मा ने कल इसके कर दिए हेयर कट, हेयर कट कर दिया। तो व्यूअर्स, आप कुछ, मैंने इन 2 3 दिनों में एक तजर्बा थोड़ा सा फील किया और उस पे जो है ना रिसर्च भी की, क्योंकि मुझे जो है ना इन दिनों में जो जैसे मैं थी, तो हम लॉन्ग जाते थे, वो औरंगी टाउन कराची के उस कॉर्नर पर जाते थे, तो बड़ी गाड़ी पे जाना पड़ता था क्योंकि फुल पूरी फैमिली जाते थे। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनाई और कुछ सीखी पहले, तो फिर जो है ना वो सफर के दौरान जो है ना मैंने कुछ चीज़ें सीखी, तो वो आज मैं आप सबसे भी शेयर करना चाहता था। मैंने कहा चलें व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा। तो बात ये है कि जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत के लिए, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। हम कुछ चीज़ ऐसी खाएं जो हमें प्रोटेक्ट करें, ना कि हमें डेंजर जोन की तरफ, नुकसान की तरफ लेके जाए। तो पाकिस्तान में तो आप देखते हैं उल्टा ही होता है। तो ये एक अवेयरनेस थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें करना क्या चाहिए सफर के दौरान, कैसी चीज का नहीं। तो पाकिस्तान में अक्सर देखो, आप बस पे बैठे हो, मुझे तो एक अरसा हो गया बस का सफर करना मैंने छोड़ दिया हुआ है। तो ये है कि बस में बैठते हैं तो बस में पता क्या चीज़ें बिकने के लिए आती हैं? समोसे, टिकियाँ, तो ऐसी तली हुई पकौड़े वगैरह, ये ले के लोग चढ़ते हैं, ये ले खरीद लें। दाल, मूंग की और निमको वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना तली हुई होती हैं। तो तली हुई चीज़ आपको जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं करती सफ़र में, क्योंकि आप जब सफ़र में होते हैं, गाड़ी के अंदर होते हैं, तो गाड़ी के अंदर एक तो लोग ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो खारिज करते हैं। सही है। तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो फिर ज़्यादा लोग बढ़ जाने से जो है ना वो आपको, और फिर दूसरा गाड़ी के ईंधन की स्मेल, ऑयल की, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको जो है ना वो लॉस लेके चलती है। तो मैंने इस सफ़र में जो है ना मैंने कुछ काम किया कि मैंने जब जाते थे, जाते वक्त भी हम लोग जो है ना ऑरेंज ले लेते थे, ऑरेंज माल्टे, और वापसी में भी। तो हमें ऑरेंज खाना चाहिए जब आप मौसम के हिसाब से, वैसे तो फल होते हैं, तो ये मौसम था और ये मौसम अच्छा है कि ऑरेंज का मौसम है। तो ऑरेंज आप जब किसी सफ़र पे निकलें तो आप अपने साथ एक आध लें, या खान जाने से पहले आप लें एक आध ऑरेंज खाएं। ऑरेंज के अंदर सिट्रस होता है, सही है, और ये आपको प्रोटेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों से बचाता है। तो ऑरेंज एक मुफीद चीज़ है आज, जो आपको बहुत जो प्रोटेक्ट करती है ऐसे लम्हात में, तो आपको लॉस की तरफ नहीं लेके जाती, नुकसान नहीं करती। ऑरेंज खाएं आप,
सफर के दौरान, और भी मौसम के जो भी फल होते हैं, फल फूल खा के आप निकला करें सफर में। किसी किस्म का भी फल हो वो खा लिया करें, खास तौर पर ऑरेंज, या फिर आप जब निकलेंगे ऑरेंज नहीं होते तो लेमन, तो लेमन का जूस बना के पी लिया करें, या फिर रस्ते में से जहाँ से भी मिलता है ये पी लिया करें, ताकि जो है ना आपको लॉस ना हो, आपको प्रोटेक्ट करता है ये सफ़र के दौरान। तो गाइज़ ये आज मेरा थोड़ा सा मैसेज था, थोड़ी सी अवेयरनेस थी जो मैंने पहले सीखी, तो फिर मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि दो तीन दिन हम लोग जाते रहे तो मुझे बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग टाइम से जो है ना गाड़ियों का सफ़र बंद किया हुआ। बेशक हमने खुद से जो है ना रेंट पे ली हुई थी गाड़ी, तो फिर भी जो है ना इसमें मुझे अब नहीं, मैं सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये है कि ये अवेयरनेस थी। तो गाइस जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।